हेलो एवरीवन, स्वागत है माँ बिटिया रसोई में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ ऐसी रेसिपी जो आप लोगों ने कभी सोची भी ना होगी ना खाई होगी। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके आगे तो नॉनवेज भी फेल है, क्या ही बात, मज़ा ही आ गया इसे खाकर। एक बार ज़रूर आप भी बनाइए और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ इंजॉय करिए। गुड़िया, ये खाएंगी? ये मैं लेके आई हूँ कर्मी भाजी, जो गांव में शहर में बहुत आसानी से मिल जाता है, विटामिन से भरपूर रहता है, बहुत ही टेस्टी भाजी है। इसकी रेसिपी मेरे वीडियो में है ऑलरेडी। आज मैं इसके बताऊंगी आपके कबाब, कबाब ऐसा बनाऊंगी इसके और उसकी रेसिपी शेयर करूंगी आप लोगों को। तो ये देखिए, तोड़ के डंठल अलग कर लिया है और ये काली वाली उड़द जो होती है ना, उसे रात को भिगो दिया था। इसका छिलका बहुत आसानी से निकल जाता है। और ये देखिए, भाजी को अच्छे से मैं बारीक बारीक कट कर लूँगी। उसके बाद से एक पतीले में निकाल लूँगी और ये देखिए, अदरक लहसुन मिर्ची साथ में ले लूँगी। और जो दाल भिगोया था ना, उसे भी धो के रख लिया है। छिलका थोड़ा बहुत निकल गया है उसका, थोड़ा बहुत रहने देंगे, कोई बात नहीं, छिलका में तो प्रोटीन रहता है। अदरक को बारीक बारीक कट कर लूँगी। उसके बाद से ये जो दाल भिगोया था, उसको भी इसी में मिक्सर के जार में डाल के मोटा ही पीसूँगी, दरदरा, ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है इसे। अगर आपने नहीं खाई है तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसे मैं देखिए दरदरा पीस लूँगी मिक्सर जार में, ऐसे आप लोग देख सकते हैं। और ये देखिए, भाजी जो कटी हुई है, इसमें मैं पिसा हुआ पेस्ट डाल देती हूँ दाल का। इसके बाद हल्दी, नमक और ये देखिए 2 चम्मच मैंने बेसन डाला है, गरम मसाला 1/2 चम्मच, जीरा 1/2 चम्मच लेके अच्छे से मैं इसे मैश कर लूँगी। और हाँ, ध्यान रखिएगा, इसमें पानी तो बिल्कुल भी मत डालिएगा। ऐसी भाजी है, इसमें ऑलरेडी पानी रहता है, बहुत ही टेस्टी भाजी है ये, तो पानी बिल्कुल भी ना डाले। और ये देखिए, ग्रेवी के लिए मैं मसाले ले ली हूँ, टमाटर, प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची, अदरक, इसको भी धो लिया है अच्छे से बारीक बारीक काट के। इसमें मिक्सर जार में मैं इसका पेस्ट बना लूँगी ग्रेवी के लिए। और इतना टेस्टी बना था दोस्तों, क्या ही पूछिए मत, तो इतना अच्छा लगा। इसके आगे तो नॉनवेज भी फेल है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोग और बताइएगा कमेंट करके कि ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे कि नहीं, और एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो देखिए, तवा रख दिया है मैंने, थोड़ा सा तेल 2 चम्मच डाल दिया है। उसके बाद से ऐसे पकौड़े का शेप है ना, ऐसे करके तवे में करके डाल के 2 मिनट के लिए ढक देंगे धीमी आँच पर। और ये देखिए, बहुत आसानी से पलट जाता है, चिपकता नहीं है, क्योंकि इसमें जो काली वाली उड़द है ना, वो एकदम बॉन्डिंग बनाए रहती है, फैलने नहीं देती है। बढ़िया से दोनों साइड से सेक लेंगे अच्छे से। ये देखिए, लाल हो गया है दोनों साइड से। ऐसे कबाब बना के रेडी कर लीजिए। ये देखिए, पकौड़े भी बोल सकते हैं आप। और इधर दूसरे तरफ कढ़ाई में 2 चम्मच तेल ले लिया मैंने, खड़े मसाले, लौंग, इलायची, तेज़पत्ता, जीरा, 1 सूखी मिर्ची और हींग। हींग तो ज़रूर डालिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये मैं गांव से गोल्डी हींग लेके आई थी, मुझे गोल्डी हींग बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए, पिसा हुआ जो मसाला है ना, उसको भी डाल दिया मैंने साथ में, हल्दी, नमक, थोड़ा सा गर्म मसाला, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला, लगभग 1/2 चम्मच। उसके बाद अच्छे से मिला के मसाले को भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। थोड़ा सा पानी मिक्सर जार में डाल के डाल देंगे साथ में, ताकि मसाला जले ना नीचे से, और इसे ढक देंगे 2 मिनट के लिए। ये देखिए, मसाला अच्छे से भून के रेडी हो गया है, क्या सुगंध आ रहा था, बहुत ही बढ़िया। दाल भी नहीं रहेगा तो भी इसके साथ चावल रोटी खाएंगे आप लोग आसानी से, बहुत ही अच्छा लगता है। ग्रेवी भी बहुत इसका थिकनेस रहता है। इधर धनिया पत्ती धो के काट ले रही हूँ मैं। और ये देखिए, मसाला अच्छे से गाढ़ी हो गई है। अब मैं इसमें जो बनाई हूँ ना, ये
कटलेट उसको डाल दूँगी, पकौड़े भी कह सकते हैं आप। बढ़िया से धीमी आंच पे बनता रहेगा, अच्छे से सोख लेगा पानी इसके अंदर। ये देखिए क्या लाजवाब दिख रहा है, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है इसकी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक करें, कमेंट करें। और इसमें धनिया पत्ती डाल के अच्छे से मैं गार्निश कर ले रही हूँ। और ये देखिए फाइनल लुक, क्या गजब का लुक आया है, और स्वाद तो वाह। इसे मैं सर्व करके आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही बढ़िया टेस्टी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ और आगे बढ़ूं। धनिया पत्ती से गार्निश, चलिए थाली भी रेडी कर दिया मैंने। चावल ले लिया है, दो मिर्ची फ्राई और ये सब्जी। बाय बाय दोस्तों, एंजॉय।